दूर की बात होगी कि इतने पुराने हैं ये। उसके बाद हम लोग जो हैं चंदोसी के रहने वाले हैं, जिला मुरादाबाद में, जानते होंगे कुछ लोग इसको, पहचानते होंगे। तो बेसिक एजुकेशन मेरी चंदोसी की है, फिर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट जो है वो पारकर इंटर कॉलेज मुरादाबाद का है, कुछ हो सकता है मुरादाबाद के बच्चे हों। उसके बाद मेरा सिलेक्शन 1979 में मैंने इंटरमीडिएट किया था, तो मेरा सिलेक्शन MNREC, उसमें रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करते थे 5 या 6, तो MNR इलाहाबाद में मेरा इंजीनियरिंग में हुआ था और मैंने सिविल इंजीनियरिंग को चूज किया था। 4 साल के बाद 1983 में मैंने पास आउट किया और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की उस वक्त होती थी, उसमें मैंने अर्थक्वेक डिपार्टमेंट में स्ट्रक्चरल डायनेमिक्स में मास्टर्स को ज्वाइन किया। उन दिनों सिविल इंजीनियर्स का थोड़ा सा बहुत अच्छा फेज नहीं चल रहा था, तो ये हुआ कि नौकरी यदि मिलती है तो उसको ज्वाइन कर लेना चाहिए, स्टडीज बाद में भी होती रहेंगी। तो 83 में ही ज्वाइन किया, उसी टाइम पे कुछ वैकेंसी यूपी जल निगम, आप जानते हो, कुछ बच्चे जानते होंगे शायद, किसी के पेरेंट्स हो सकते हैं, तो यूपी जल निगम की वैकेंसीज निकली जिसमें असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट थी, तो मैंने उसकी तैयारी शुरू कर दी और मास्टर्स को मैंने पोस्टपोन कर दिया, मैंने कहा इसको बाद में करेंगे। तो 1984 से लेके 1996 तक मैंने यूपी जल निगम को एज असिस्टेंट इंजीनियर सर्व किया, लेकिन मन में पता नहीं क्यों एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं था सर्विस करते हुए, कि जो मैं कर सकता हूँ शायद वो नहीं कर पा रहा हूँ, और मेरी क्षमता कुछ शायद ज्यादा है, या मेरी क्षमता इस तरीके के काम की नहीं है जिसमें रिपीटेशन ऑफ सेम वर्क हो और उस पर आपकी क्षमता नापी जाती है। मुझे लगता था कि मैं कुछ नया कर सकता हूँ, तो इसलिए मैंने अपना सोचा कि मुझे शिफ्ट करना चाहिए किसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में। तो मीनवाइल जो मास्टर्स छूट गई थी उसको पूरा किया, 1993 में मास्टर्स किया, फिर मैंने 1996 में एज सीनियर साइंटिस्ट ज्वाइन किया वहाँ गाजियाबाद में। हो सकता कुछ बच्चे गाजियाबाद के हों, तो SERC स्ट्रक्चर इंजन रिसर्च सेंटर गाजियाबाद कहलाता है, वहाँ 1996 में ज्वाइन किया। उसके बाद उसी टाइम पे फिर PhD को ज्वाइन कर लिया था, IIT रुड़की हो गया था उस टाइम पे, उस टाइम बाद हो गया था, और फिर वहां से ट्रांसफर होकर के हम लोग। सर एक मिनट रुकिएगा सर, मैं सबको म्यूट कर दूं एक मिनट के लिए। जी जी जी। सर अभी आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। यस सर, कैरी ऑन प्लीज। हाँ, उसके बाद PhD को भी वही ज्वाइन कर लिया था गाजियाबाद में रहते हुए, IIT यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की में रजिस्टर करा लिया था अपने आप को, और फिर PhD करते रहे और साइंटिस्ट भी बने रहे, काम करते रहे, और 2005 में मुझे डिग्री अवार्ड हो गई PhD की। और अर्थक्वेक इंजीनियरिंग मेरी रिसर्च इंटरेस्ट था, तो अभी जो मेरा फिलहाल इंटरेस्ट है अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन और स्ट्रक्चर्स में है, और जो पुरानी बिल्डिंग्स हो जाती हैं उनको आज के कोडल प्रोविजंस के हिसाब से कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट हो जाए, उसमें मेरा इंटरेस्ट है, उसमें काम करता हूँ। बाकी कुछ नई टेक्नोलॉजीज वगैरह में काम करता हूँ जिसमें अर्थक्वेक प्रिंसिपल साइंटिस्ट सर्व कर रहा हूँ, अपने CSIR के, यदि आप बच्चों ने नाम सुना होगा, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, उसमें एक सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है तो जो रुड़की में बना हुआ है, उसमें मैं सर्व करता हूँ। तो अब मेरी जो जर्नी है, इससे एक चीज निकल के आई कि हमने ब्रांच तो चलो सिविल इंजीनियरिंग ले ली थी, इंटरेस्ट था, चलो सिविल इंजीनियरिंग एक स्ट्रक्चर बनती है तो दिखती है, सबको पता चलता है कि हाँ भाई ये स्ट्रक्चर बनाई है, किसी ने डिजाइन की होगी, एक फैसिनेटिंग चीज लगती है। लेकिन सिविल इंजीनियरिंग में एक पार्ट होता है कि हम फील्ड में काम करवाते हैं या डिजाइन टेबल पर बैठ के डिजाइन करते हैं, एक है हम नई खोज करते हैं। तो मेरा इंटरेस्ट जो खोज की तरफ था, मतलब कुछ रिसर्च किया जाए, कुछ नया निकाला जाए, और हम दूसरी तरफ चले गए थे जिसमें कंस्ट्रक्शन था, डिजाइन था। तो उसका नतीजा क्या हुआ कि हमने 12 साल की सर्विस को वहां लूज किया, हालांकि मेरा एक हायर पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ था, तो 5 साल मुझे उसमें रिकवर हो गए, लेकिन 7 साल का लॉस हम लेकर के चल रहे हैं।
तो उससे होता क्या है कि आप अपने कंटेम्परेरी से पीछे हो जाते हो, उसका एक अलग पीयर प्रेशर पड़ता है। लेकिन यदि फिर भी आपका गोल सेट है कि मुझे ये करना है और ऐसे बढ़ना है, तो फिर वो चीजें ज्यादा बॉदर नहीं करती हैं। तो अब तो मैं नया आया हूँ एट द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट, 2-2.5 साल मेरे पास बचा है, तो वो सब चीजें ऑलरेडी खत्म हो चुकी हैं। अब अपना रिसर्च में मैं एंजॉय करता हूँ और नए काम कर रहा हूँ। तो विद दिस मैं एक चीज और भी कहना चाहूंगा कि जैसे आप बच्चे लोग हो, अभी शुरुआत हो रही है, जैसे इंटर करके आप कहीं प्रोफेशनल में जाएंगे या 8th वाले 9th में 10th में फिर नया सब्जेक्ट चुनेंगे, तो सबसे पहली चीज ये होती है कि आप ये देखो कि आपको अच्छा क्या लगता है, क्या काम अच्छा लगता है जो प्रोफेशनली नोन होता है। मतलब काम बहुत सारे अच्छे लगने लगते हैं, लेकिन आगे चूंकि उसी से आपको अपनी रोजी रोटी कमानी है, अर्निंग करनी है, तो प्रोफेशनली एस्टेब्लिश होना चाहिए जो भी आप करना चाहते हो। तो व्हाट डू यू लाइक, क्या पसंद है आपको, ठीक है, ये तय पहले करना चाहिए। और उसके बाद ये तय करना चाहिए, उसके बाद जब एक बार ये तय कर लेते हैं तो फिर हमें उसको पसंद करना चाहिए, लाइक व्हाट यू डू, ठीक है। तो डू व्हाट यू लाइक वो करना चाहिए, एंड लाइक व्हाट यू डू उसके बाद उसको पसंद करो। तो इस चीज को जानना चाहिए कि हमें क्या पसंद है। एक चीज होती है पसंद करना, फिर आ जाता है कि चीज तो पसंद है लेकिन उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, हाउ यू विल सर्वाइव इन दैट फील्ड। तो यू शुड नो बिफोर हैंड कि भाई इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेडिकल साइंस ले लीजिए, MBBS करते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, देखिए व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ डॉक्टर, क्या उन ड्यूटीज ऑफ डॉक्टर्स के लिए आप तैयार हैं। भले ही आप यू मे बी ए टॉपर, यू मे बी ए फर्स्ट रैंकर ऑफ एम्स, लेकिन आपको वो काम पसंद नहीं है। मतलब रात में फोन आ गया, अरे मुझे नींद से जगा दिया, तुरंत चले जाना, कोई अपनी लाइफ ना होकर दूसरे की जिंदगी के लिए जीना, यदि वो भी चीज पसंद है तब आपका मेडिकल प्रोफेशन चाहे रैंक कुछ भी हो सक्सेसफुल रहेगा। ऐसे ही इंजीनियरिंग में हो जाता है, इंजीनियरिंग में आपको मैकेनिक, बहुत सारे बच्चे मैकेनिकल इंजीनियरिंग पसंद कर लेते हैं क्योंकि मैकेनिकल का थोड़ा सा एक मैनेजरियल एप्टीट्यूड रहता है और वो लोग मैनेजर्स बनते भी है। लेकिन मैंने जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट है, यू शुड नो बिफोर एंड टॉक टू समवन जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आगे बढ़ रहे हैं। तो जिस फील्ड में भी जाना है उसके एक्सपर्ट्स या उसके जो अच्छे वर्कर्स हैं उनसे मिलिए, उनसे अपने पीयर्स के थ्रू मिलिए और जानिए कि उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं। और वो एक बार आपको पसंद आती है कि हाँ यार ये दिस इज फैसिनेटिंग एंड आई लाइक दिस, मुझे सेवा का समाज सेवा अच्छी लगती है, तो उससे रिलेटेड चीज करिए, तो फिर वो प्रोफेशन जो है आपको बर्डन नहीं बनेगा, वो आपका एक हॉबी हो जाएगा। और फिर जब भी आप कोई चीज ऐसी करते हो जो प्रोडक्टिव भी है और वो आपकी हॉबी भी है, तो यू गेन एनर्जी रादर देन लूजिंग योर एनर्जी, तो आप हमेशा आगे ही बढ़ते चले जाएंगे, यू विल नेवर टायर ऑफ एनीथिंग। तो विद दिस मैं एक शुरुआत में कहना चाहता था कि जैसे आप थोड़ा सा वो करें। दूसरा एक चीज और भी माइंड में रखना चाहिए कहावत को कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, तो टारगेट आप कुछ भी बना सकते हो, इसलिए उस चीज को पहले इस फ्रेज को दिमाग में रखो और फिर डाउट्स पैदा करो कि हाँ कि भाई ये मुझसे नहीं होगा, पहले इस चीज को दिमाग में रखो कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, तो हो तो जाएगा ही, बस तरीका नहीं पता होता। और दूसरा ये है कि वेल विगन इज हाफ डन, एक बार आप तय कर लो क्या करना है तो उसकी प्लानिंग ठीक से करनी चाहिए, कैसे उसको उस माइल स्टोन को टच करना है, गोल को अचीव करना है। तो विद दीज टू फ्रेजेस ये दिमाग में रखने को मैं कहूंगा, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड एंड वेल विगन इज हाफ डन, ठीक है। विद दिस आई एंड द ब्रीफिंग ऑफ दिस माई इंट्रोडक्शन एंड समथिंग एज ए इनिशियल पार्ट ऑफ डिस्कशन। थैंक यू सर। और सर सर ने मेरे को एक सजेशन दिया था, हम एक छोटा सा पोल करवा रहे हैं अभी आपके पास। okay. और आप ये सारे ये आपके कैरियर के रिलेटेड है कि आप किस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं। ओके तो अभी सबकी स्क्रीन पर एक पोल आएगा, तो जो आपको फील्ड पसंद हो, अगर इनमें से आपको कोई फील्ड पसंद नहीं है
तो फिर सर हम ये सारा सर्वे देखेंगे कि आप डिफरेंट डिफरेंट है, जैसे अभी मैं पोल लॉन्च कर रहा हूं तो आपके स्क्रीन पे सभी के ये पोल स्टार्ट हो गया है। जो भी आपको फील्ड इसमें पसंद है या आप लाइक करते हैं अभी, ओके, आप उसको चूज कर लीजिएगा। एंड में अदर्स भी है, ओके, मान लीजिए आपको इनमें से कोई पसंद नहीं, समथिंग एल्स, तो आप उसको भी चूज कीजिएगा और फिर हम इसका रिजल्ट देखेंगे। वेरी गुड, जल्दी से इसको अपना टिक कीजिए। और सर एक बच्चे ने इनिशियल क्वेश्चन पूछा है कि मैं अपनी मोबाइल की आदत को कैसे छोड़ सकता हूं। मोबाइल की आदत छोड़ना इज नॉट इम्पॉर्टेंट। क्या आपकी आपसे जो एक्सपेक्टेशंस हैं और आपकी अपने से जो एक्सपेक्टेशंस हैं रिगार्डिंग योर कैरियर इज गेटिंग फुलफिल्ड? इफ इट इज, नो नीड टू लीव। इफ इट इज नॉट, देन यू रिड्यूस दैट टाइम एंड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स योर कैरियर। ओके, थैंक यू सर। प्लीज बच्चे जल्दी से, 168 कैंडिडेट ने आंसर कर दिया है, जल्दी से बाकी कैंडिडेट भी करें। और सर वन क्वेश्चन इज फ्रॉम योर फील्ड, कैंडिडेट सेड निकोला टेस्ला इन्वेंटेड द इंस्ट्रूमेंट विच कैन कॉज अर्थक्वेक बट आफ्टर ही डिस्ट्रॉयड इट, सो इट इज करेक्ट। कैन यू रिपीट दिस क्वेश्चन? क्वेश्चन निकोला, इज कि निकोला टेस्ला ने कुछ अर्थक्वेक क्रिएट करने का कोई इंस्ट्रूमेंट बनाया था, बाद में उन्होंने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। अच्छा, ये बच्चे का ओके। क्वेश्चन है कि क्या ये सही इंफॉर्मेशन है या ऐसे ही है। हाँ, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। ओके, लीजिए अभी हम पोल के बिल्कुल एंड में हैं और नाउ आई एम गोइंग टू एंड द पोल एंड ऑल द कैंडिडेट कैन सी दिस। सर अभी मैं रिजल्ट शेयर करूंगा, बिल्कुल, ये आप सभी की स्क्रीन पे आ रहे होंगे। अच्छा। एंड 8% कैंडिडेट हेल्थ सर्विसेज में जाना चाहते हैं, 30% कैंडिडेट साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग आईटी, 23 लॉ पब्लिक सेफ्टी सिक्योरिटी आर्मी पुलिस एक्सेट्रा, और मैन्युफैक्चरिंग में सर 0% इंटरेस्ट दिखाया है। आर्ट आर्टिस्ट 8%, बिजनेस सेल्स मार्केटिंग 7%, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ओनली 2%, स्पोर्ट्स 6% एंड ह्यूमन सर्विसेज हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म में 8%, और एक मैक्सिमम कैंडिडेट सर साइंस टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग में आ रहे हैं और अदर्स में 9% है। ओके, नाउ वी एंड द रिजल्ट एंड नाउ वी कैन स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर सेशन। और जैसा मैंने आपको कहा था कि आप अपने अच्छे क्वेश्चंस जो भी आपके कैरियर के रिलेटेड हैं सर से रखिएगा। सर सर बहुत एक्सपीरियंस और ग्रेट मोटिवेटर हैं, तो आई थिंक यू विल बेनिफिट फ्रॉम इट। सर अभी मैं एक एक कैंडिडेट को लाइन पे लूंगा ठीक है। एंड अर्नब, यस सर। हाँ जी कैरी ऑन। सर, मुझे पूछना था कि सर, अगर हमें आईटी फील्ड में जाना है तो कौन सा सबसे बेस्ट सब्जेक्ट होगा? मैथ्स के साथ अगर हमारा बायोलॉजी लेना जरूरी है या नहीं, क्योंकि अगर किसी का पर्सनल इंटरेस्ट हो तो वो ले सकता है या नहीं आईटी फील्ड में अगर जाना है। ओके ओके, देखिए, आईटी फील्ड में जो रिक्वायरमेंट है, एक तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की होगी, दूसरी रिक्वायरमेंट होगी हार्डवेयर की, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन आ जाता है। तो ये दोनों ही सब्जेक्ट्स में देखा जाए तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में तो कवर होता है, मैथ्स में भी एक लॉजिक से ही चलते हैं,
जहां तक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात है तो उसमें फिजिक्स का पार्ट आ जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स या कुछ इस तरीके से मॉडर्न फिजिक्स या जो भी आपके ऐसे चैप्टर्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। बायो की तो वास्तव में जरूरत नहीं पड़ेगी डेफिनेटली, और फिजिक्स स्ट्रांग होनी चाहिए, मैथ्स स्ट्रांग होनी चाहिए, केमिस्ट्री वैसे भी इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स में इतनी ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं होती, लेकिन फिर भी इट शुड बी इन अ बैलेंस फॉर्म। लेकिन मेजरली आप मैथ्स अच्छा हो और फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स ये स्ट्रांग होना चाहिए, तो आप एंजॉय करेंगे उसको, मतलब यू विल कमांड दैट सब्जेक्ट, फील्ड को भी आप अच्छे से समझेंगे। ओके, अलोक रंजन। यस सर। यस प्लीज कैरी ऑन। इनका फोटो नहीं आ रहा, कहां पर है इनका, ये आगे आ जाए आगे, जिसका जिससे बात कर रहे हैं कौन है? सर हाँ बेटे, जो भी बच्चा बात करेगा अपना वीडियो जरूर ऑन रखे। ओके, जैसे ही आप वीडियो ऑन रखेंगे तो आपकी फोटो आएगी। अलोक कैरी ऑन बच्चे। सर व्हाट वाज योर बिगेस्ट चैलेंज इन योर जर्नी? By the way, I could not face any challenge. That is maybe a bad part of it. As soon as I passed my intermediate, I got selected in engineering. Immediately after, I got selected in masters. Immediately after, even after leaving masters, I got the job. So the challenge was definitely something was there. I could not realize what is my passion. So my passion was research and I was working in a field. So I, because of this, I lost some years of service and definitely seniority and everything. Later, I could enter in the research. So that only was the challenge. Otherwise, by the way, I could not face any challenge, I would say. सर वन कैंडिडेट वांट्स टू नो कि हमारे इंडिया में कितना अर्थक्वेक प्रोन जोन है, मतलब कितने एरिया हैं ऐसे? हाँ देखिए, ऐसा है कि चार जोन्स में बांट दिया गया है पूरे देश को, जोन सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, तो सेकंड एंड थर्ड में उतना ज्यादा पता नहीं चलता, अर्थक्वेक का अफेक्ट आता नहीं है, फोर्थ एंड फिफ्थ में आता है, और उसमें फिर हमें अर्थक्वेक रेजिस्टेंट प्रोविजंस डालने पड़ते हैं, जिससे कि स्ट्रक्चर उस अर्थक्वेक को जिसके लिए वो डिजाइन किया जा रहा है उतने में डैमेज ना हो और स्ट्रक्चर जो है कॉलेप्स ना करे किसी भी हाल में उस अर्थक्वेक के लिए जिसके लिए हमने उसको डिजाइन किया। उससे ज्यादा आ जाएगा तो वो अनएक्सपेक्टेड होगा, तो वी कैनॉट हैंडल दैट। तो चार जोन में बांटा हुआ है पूरे देश को अर्थक्वेक के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, स्ने, ये बच्चे का फोटो नहीं आता आगे, कौन बात कर रहा है? बच्चे सर अभी आएगा सर आपके पास। हाँ, मतलब वो बच्चा ऊपर आ जाए उसका फोटो बाकी। हाँ सर, वो एक्चुअली उन्होंने वीडियो ऑन नहीं कर रखे, जिसका वीडियो ऑन होगा वो आपके पास आएगा डेफिनेटली। स्नेह करियो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। आई हैव टू क्वेश्चंस। सर हैव यू एवर फेल इन एनी एग्जाम? And sir, when you came to know that you had to choose that field of education? Okay, first question is, have I failed in any exam? Yes. Yeah, definitely. Actually, जब मैंने job join किया 1984 में, तो मुझे job ज्वाइन काम करते हुए ऐसा लगा कि शायद ये प्लेटफॉर्म मेरी कैपेबिलिटी से थोड़ा सा हल्का है। ठीक है, तो मैंने उससे बाहर निकलने की कोशिश की, फिर मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए ट्राई किया और मेरा उसमें रिटेन में हो गया, इंटरव्यू में नहीं हुआ। उसके साथ साथ फिर मैंने सिविल सर्विसेज के लिए भी ट्राई किया था, तो 1987 में मैं सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स के साथ प्रीलिमिनरी क्वालिफाई कर गया था और मुझे मेंस देना था। तो हम चूंकि स्टेट गवर्नमेंट में थे, तो मैंने अपने बॉस से कहा, सर मुझे अज्ञातवास में जाना है, मतलब मैं डिसअपीयर होना चाहता हूं और कहीं जाके तैयारी करूंगा मेंस की, जिससे इसमें हो जाए।
तो उन्होंने मुझे सजेस्ट कर दिया, अरे भाई सक्सेना साहब आपको जाने की क्या जरूरत है, आप तो बस 2 घंटे के लिए ऑफिस आके दस्तखत करके चले जाया करो। तो उस मतलब उस चीज को मैं नहीं, तब भी मैं चाहता था कि मुझे छुट्टी मिल जाए, मैं चला जाऊं, लेकिन मैंने उसको पीयर प्रेशर कह सकते हैं, पेरेंट्स ने भी कहा कोई बात नहीं है 2 घंटे के लिए चले जाना, क्या फर्क पड़ता है, कुछ काम नहीं करना है, ऐसी कोई बात नहीं है, सब चलेगा। ऐसे करने पे मैंने क्या किया कि वो मेरा 4 महीने का जो एक टाइम मिलता है प्री और मेंस के बीच में, उतना प्रोडक्टिव नहीं हो पाया, तो आई कुड नॉट क्रैक दैट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन मेंस, तो दैट रिमेंड इन माय कोर ऑफ द आर्ट। आई कुड हैव डन बिकॉज इन फर्स्ट अटेम्प्ट, इन फर्स्ट ट्राई आई कुड गेट प्री क्वालिफाइंग द प्री, सो दैट टू मी आई फील दैट आई कैन क्रैक एनी एग्जाम, that confidence I have, but the environment that what should have been with me and the support from family and friends and all that, they would have taken me from this place to some other place, that missed, because of that I failed. Second question was what? सर सेकंड क्वेश्चन में बच्चे पूछना चाहते हैं कि एक स्टूडेंट को कब फील होता है कि उसको ये कैरियर में जाना चाहिए, कि किसी भी कैरियर में जाना चाहिए स्टूडेंट लाइफ में। अच्छा अच्छा, इसके लिए बेटा ऐसा है कि आजकल इतने सॉफ्टवेयर्स आपके पास अवेलेबल हैं कि आप एक वर्चुअल सर्विस कर सकते हो, वर्चुअल सर्विस, ठीक है। मुझे अभी एग्जैक्टली ध्यान मतलब नॉलेज में नहीं है कि कोई सॉफ्टवेयर ऐसा है क्या, यू कैन सर्व वर्चुअली ऑन कंप्यूटर। सिविल इंजीनियर का काम करना है तो क्या क्या उसकी जरूरत पड़ती है, एक वर्चुअल हो सकता है, किसी ने सॉफ्टवेयर बनाया हो, यू कैन लीड दैट लाइफ वर्चुअली, ठीक है। और जानने की कोशिश करो कि किस लाइफ को जीने में आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है। जब वो एक्सरसाइज हो जाएगी तब आपको पता चलेगा कि हाँ मुझे मतलब अच्छा तो ये लगता है लेकिन कर मैं ये पा रहा हूं, दोनों में बहुत फर्क है, अच्छा लगना और कर पाना। जिसका अच्छा लगना और कर पाना दोनों मिल जाते हैं उसको कोई फिर पकड़ नहीं पाएगा, वो टॉप पर ही पहुंच जाएगा बच्चा। तो ये चीज जानना आपको मतलब या तो किसी से बातचीत करके पता चलेगा जो आपको अच्छा लगता है उसके बारे में, उसकी सर्विस कंडीशंस के बारे में जानने की कोशिश कीजिए। तो एक मिनट जरा। तो ये इस तरीके से फिर पता करना है कि हमें क्या करना चाहिए। जैसे सिविल इंजीनियरिंग के बारे में मैं बता सकता हूं, सिविल इंजीनियरिंग में एक फील्ड है, एक उसका डिजाइन है, एक उसकी रिसर्च है, ठीक है। तो फील्ड में जाने के लिए बीटेक, ज्यादा एमटेक, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है आगे पढ़ने की, बीटेक इज मोर देन सफिशियंट, ज्यादा एमटेक। यदि डिजाइन में जाना है तो एमटेक मिनिमम, पीएचडी इज प्रेफरेबल, नॉट डिजायरेबल, एमटेक इज डिजायरेबल, बट इन रिसर्च एंड एकेडमिक्स विद इंजीनियरिंग यू शुड कीप इन योर माइंड दैट आई हैव टू परस्यू पीएचडी, देन ओनली यू विल बी सक्सेसफुल। डू इट एज अर्ली एज पॉसिबल सो दैट इन इनिशियल स्टेज यू आर एट ए बेटर प्लेस देन योर कंटेम्परेरीज। सर एक क्वेश्चन आपसे और बच्चे पूछना चाहते हैं, ज्यादा जो मेरे पास मैसेजेस में आ रहा है। हाँ बिल्कुल बताइए। वो सर ये पूछ रहे हैं कि क्या जैसे आईआईटी रुड़की को वो ज्वाइन करना चाहते हैं एज ए बीटेक स्टूडेंट या बी स्टूडेंट या किसी भी आईआईटी को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो क्या उसके लिए किसी इंस्टीट्यूट से कोचिंग लेना जरूरी है? देखिए ऐसा है कि जैसे आईआईटी रुड़की ले लेते हैं, ठीक है, आपने अच्छा बताया, आईआईटी रुड़की ले लेते हैं, आईआईटी रुड़की में उसकी ब्रांच भी ले लीजिए, ठीक है। ब्रांच कैसे चूज करनी है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कैसे आपको ब्रांच पे जाना है कि आपको कौन सी ब्रांच लेनी, ठीक है। जगह फिक्स कर लीजिए और उसका ब्रांच फिक्स कर लीजिए, ठीक है। जब ये दो मिल जाएंगे तो उसके बाद आपको ये पता चल जाएगा कि इसके लिए आपको मार्क्स कितने लाने हैं, ठीक है, ठीक है ना। जब ये पता चल गया मार्क्स कितने लाने हैं, तो जितने मार्क्स लाने हैं उसमें 20% जोड़ दीजिए, ठीक है,
वो आपका टारगेट हो गया, वहां तक आपको तैयारी करनी है, उस उन मार्क्स को लाने की तैयारी करनी है। ये जब ये तय हो गया कि इतने नंबर लाने हैं, तो अब ये देखिए कि आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीन सब्जेक्ट्स हैं, उसमें जो आपकी स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ के हिसाब से क्या उतने नंबर आते हैं। यदि उतने नंबर आ रहे हैं आपके, थोड़ा सा जोर लगाइए, आपके घर पे काम हो जाएगा। और आपके जो लोकल टीचर्स हैं उनसे आप बात कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और उसके उसको जज करने के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक्चुअल पेपर्स जो आते हैं एग्जाम में उनको सॉल्व कीजिए, रादर देन जो कोचिंग सेंटर वाले आपको टफ पेपर बना करके आपका लेवल उठाने की कोशिश करते हैं। तो उससे बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है डिप्रेशन में चले जाते हैं, वहां मार्क्स नहीं आ रहे हैं, जबकि एक्चुअल पेपर में वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, ये श्योर है। तो वो एक एक इल्यूजन की दुनिया में ले जाते हैं आपको कि आप कहने को तो अपने कॉलेज के टॉपर थे और वहां जाके पता चला कि आप जो है लास्ट 20% 30% में जा रहे हैं, तो अननेसेसरीली आपका मॉरल उन्होंने डाउन किया। ये उनकी स्ट्रेटजी हो सकती है, ये रियलिटी भी हो सकती है, लेकिन बात यह आ जाती है कि नॉलेज उसको सब्जेक्ट को समझना, मतलब इंजीनियरिंग में स्पेशली अंडरस्टैंडिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट देन मार्क्स। यदि समझ में आ रहा है तो मार्क्स अपने आप आ जाएंगे, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कोचिंग सेंटर वाला यदि एक स्पून फीडिंग करके आपको कुछ दे भी दे तो आगे इंजीनियरिंग नहीं हो पाती। मैंने बहुत सारे यहाँ बच्चे सुसाइड करते हुए सुने हैं क्योंकि यहाँ नहीं कर पाते, वो अच्छे खासे वहां से अच्छी रैंक लेके आते हैं और यहाँ पर सप्ली ले लेते हैं क्योंकि उनको सब्जेक्ट समझ में नहीं आया, लेकिन नंबर कैसे आने वो तो आ गया, वो आगे भी काम नहीं आएगा और आप एक अच्छे इंजीनियर नहीं बनेंगे। तो सब्जेक्ट समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा समझिए, जितना आपको टारगेटेड मार्क्स है उसके हिसाब से उतना सिलेबस को तय कर दीजिए कि मैं ये चार चैप्टर छोड़ूंगा, ये दो चैप्टर इसमें छोड़ूंगा और एक चैप्टर इसमें छोड़ूंगा, फिक्स कर दीजिए। नाउ सिक्योर दोज मैनी मार्क्स जो मैंने बताया, टारगेट कितना है, यदि 60% लाना है तो 20 जोड़ दीजिए, 72% की तैयारी कीजिए, 60% आएंगे। तो इस तरीके से करना चाहिए मेरे हिसाब से। जो आपने सर एक जो आपने कहा था कि आपको वर्चुअली वर्क करना चाहिए, एक गाजियाबाद में है किड्जानिया, अच्छा वहां पे शायद ये सारे मतलब कोर्सेज का वर्चुअल वो करवाते हैं, है तो प्राइवेट, थोड़ा सा कॉस्टली है, बट वो अच्छा। प्लेवे में सारे फील्ड दिखाते हैं बच्चों को। ओके ओके ओके। नेक्स्ट परीक्षा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, आई वॉन्ट टू आस्क यू अ क्वेश्चन दैट वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन द टॉप 1% इन हु अचीव टॉप 1% इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक जेई नीट एंड अदर रेस्ट ऑफ द 99%? मीन्स दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द सेम थिंग बट सम आर अबोव द एज, एंड वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? मेरे हिसाब से कोई डिफरेंस नहीं होता। 75% मार्क्स एक टाइम से ऑनर्स कहा जाता है, ठीक है, 75% जिसके मार्क्स आ रहे हैं उसमें ये मान के चलते हैं कि उसके फंडामेंटल्स तो क्लियर हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चंस, टफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का लेवल चेंज करता है, ठीक है। तो आपको क्या है, मेरा तो सोचना ये है कि 90+ इज गुड एनफ, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। फिर समझने की और उस पर कमांड बनाने की कोशिश करो, रादर देन मार्क्स 100% में जाने से कुछ फायदा नहीं मिलेगा। 90+ इज मोर देन एनफ एवरीवेयर। हम लोगों की जो नौकरी है उसमें भी 90+ इज एक्सीलेंट। सर एक बच्चे ज्यादातर ये पूछना चाहते हैं कि हम अपने पेरेंट्स को कैसे बताएं कि 90% सफिशिएंट है। नहीं, उसमें तो पेरेंट्स की काउंसलिंग की जरूरत है एक्चुअली। ओके, पेरेंट्स की काउंसलिंग कीजिए, आप एक सेशन पेरेंट्स का रखिए। देखिए वही है, वही हो जाता है कि एक मतलब IIT से ही करना है और IIT का स्टैंप लगने के बाद ही आप परफॉर्म करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपके सामने बहुत सारा डेटा ऐसा होगा
कि प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे बहुत अच्छे अच्छे पैकेज को लेकर के निकल रहे हैं, लेकिन चूंकि वहाँ ना स्टाफ अच्छा है ना पढ़ाने वाले अच्छे हैं, इसलिए वो क्या जाने क्या सीखेंगे। तो इतना फर्क नहीं पड़ता आईआईटी में, बल्कि मिनिमम पढ़ाया जाता है, पढ़ाया ही नहीं जाता, वो तो बच्चा होता है जो पढ़ता है और वो उस आईआईटी को आईआईटी बनाता है। यदि सारे टॉपर्स किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लें और फ्री ऑफ कॉस्ट वो एडमिशन दे दे तो आईआईटी बन जाएगा। ओके, यानी आपके कहने का मतलब सर ये है कि बच्चों से ही कोई इंस्टीट्यूट होता है। बिल्कुल okay. बिल्कुल, इसीलिए मैं तो मानता हूँ कि यदि किसी अच्छे प्राइवेट वाले को आगे बढ़ना है तो वो यही करे, लेकिन okay. उसको फिर फैकल्टी वैसी ही देनी पड़ेगी, क्योंकि उन बच्चों का थोड़ा सा नॉलेज बेटर होती है और उस लेवल पे वो समझना चाहते हैं, तो उसको स्टफ भी वही मिलना चाहिए जो उन जो पढ़ाए वो समझे। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि मिसमैच्ड फैकल्टी एंड स्टूडेंट्स कहीं भी रख दीजिए तो दोनों ही बेकार हो जाएंगे, ना फैकल्टी किसी काम की रहेगी और ना बच्चे को ही कोई लाभ मिलेगा, मैचिंग होना चाहिए। बिल्कुल सर। सर एक का हमारा नाइन्थ का स्टूडेंट है दिलप्रीत, वो आपसे कुछ पूछना चाहता है। दिलप्रीत कैरी ऑन। सर मुझे पूछना था कि सर मेरा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मैथ्स है, लेकिन मैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना चाहता हूं, तो मैं उसके लिए कैसे प्रिपेयर करूं? ठीक है बेटा, इसके दो रास्ते हैं। सब्जेक्ट तो आपका ठीक ही है, मैथ्स तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाने का जो रिक्वायरमेंट है वो ग्रेजुएशन है, ठीक है। आजकल जो ग्रेजुएशन है 3 साल का हो गया है, चाहे वो बीएससी करो, चाहे बीए करो, चाहे बीकॉम करो, ठीक है। और उन्होंने शायद 21 साल एज रख दी है, आई डोंट नो, 21 साल मिनिमम एज है, ठीक है। तो अब ये है कि उसमें इंजीनियरिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये पॉइंट आ जाता है, ठीक है। तो यदि कोई इंजीनियरिंग सब्जेक्ट पसंद है तो आप उस इंजीनियरिंग को भी परस्यू करो और अपना शुरू से फोकस बना के रखो कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को क्रैक करने के लिए जो आपको सब्जेक्ट लेना है, चाहे तो वही सब्जेक्ट लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। मुझे जहां तक जानकारी है शायद सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ये 4 सब्जेक्ट तो पहले भी मेरे टाइम पर भी थे, अब आज की डेट में और कौन से ऐड हो गए मुझे मालूम नहीं, इंजीनियरिंग साइड से ले लिया जाए तो ठीक है। तो ग्रेजुएशन तो आपको करना ही है, किसी भी सब्जेक्ट से आपको करोगे कर लीजिए। इंजीनियरिंग बेसिकली क्या है कि आपको एक फायदा ये देती है, एक तो डिसिप्लिन बनाती है, चैलेंजेस से लड़ना सिखाती है, पर्सनलिटी डेवलपमेंट करती है और बहुत सारी चीजें आप सीख जाते हो, भले ही वो काम आए चाहे नहीं आए, मतलब पर्सनलिटी आपकी बनेगी। नॉर्मल ग्रेजुएशन करोगे तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मान लो आप तो यू आर इंटेलिजेंट पर्सन और आप चॉइस से बीएससी मैथ्स कर रहे हो, ठीक है, लेकिन ज्यादातर स्टफ वहां मिलेगा जिसको इंजीनियरिंग नहीं मिली या कुछ और चीज नहीं मिली, तो वो स्टफ मिसमैचिंग से भी दिक्कत आ जाती है। तो आप अपने स्टफ में जाइए, ग्रेजुएशन कीजिए चॉइस के सब्जेक्ट लेकर के और टारगेट वही बनाइए कि जो आपको फाइनली करना है उसके लिए और कौन कौन से सब्जेक्ट्स की जरूरत पड़ेगी। तो डे वन यू एंटर इन ए बीएससी और ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में जाते ही उसकी स्टार्ट कर दीजिए प्रिपरेशन, जैसे 21 साल पर ही आप यंगेस्ट आईएएस बने और परफॉर्म करें। सर एक थोड़ा सा फनी क्वेश्चन पूछा है बच्चे ने कि क्या आईआईटी रुड़की में भी बच्चे शरारते करते हैं और आप उनको डांटते हैं? मैं एक्चुअली आईआईटी रुड़की में नहीं हूँ। हाँ नहीं नहीं मतलब हाँ बिल्कुल, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारा तो सेंट्रल गवर्नमेंट की रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, आईआईटी इज एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, एकेडमिक है बिल्कुल। हाँ नहीं, बच्चे तो देखिए ऐसा है कि बच्चों को शरारत विद इन टॉलरेंस लिमिट एवरीथिंग इज ओके, टॉलरेंस लिमिट तय होनी चाहिए, क्या लिमिट है ना, तो यदि उसके बाहर जा रहा है तो डांट पड़नी चाहिए, उसके अंदर है तो उसका पर्सनलिटी है, डेवलपमेंट है वो, ठीक है। सर सर एक अनुरीत आपसे क्वेश्चन पूछेगी अभी, अनुरीत जी जी, वो ऊपर बच्चे का वो नहीं आ रहा, फोटो नहीं आ रहा, कौन है क्या फोटो है? सर वो वीडियो नहीं ऑन कर रहे बच्चे, चलिए कोई बात नहीं, मैं अभी ले रहा हूं। आप हाँ जी अनुरीत कैरी ऑन। सर माय क्वेश्चन इज दैट डज अ कंट्री इंडिया हैव एनी आइडिया टू स्टॉप अर्थक्वेक विद 100% श्योरिटी और वी कैन जस्ट मिनिमाइज द डैमेज?
सर थोड़ी सी साउंड क्लैरिटी नहीं थी। अमृत ने पूछा कि क्या हम अर्थक्वेक को 100% रोक सकते हैं या कुछ उसको रिड्यूस कर सकते हैं किसी टेक्नोलॉजी से? हाँ देखिए, ऐसा है कि अर्थक्वेक में, अर्थक्वेक इज ए नेचुरल फिनोमेना। नीचे की जो प्लेट्स हैं वो फ्लोट कर रही हैं, क्योंकि वो इतनी बड़ी हैं तो हमें उनकी फ्लोटिंग का पता नहीं चलता। जब वो आपस में टकरा जाती हैं तो एनर्जी जनरेट होती है और वो उस मीडियम के माध्यम से बिल्डिंग तक आती है और बिल्डिंग को शेक करती है। या कोई प्लेट है उसके ऊपर लोड बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और प्लेट अचानक क्रैक कर जाती है तो एनर्जी वहां से मूव कर जाती है, वो स्ट्रक्चर्स को हिलाती है। हम ये पहली बात तो यही जज नहीं कर पाते हैं कि कितनी एनर्जी नीचे से आ सकती है जिसको हमें रेजिस्ट करना है, और फिर कहां पर आती है। जिस जगह अर्थक्वेक आया है उसके ऊपर जो भी एपी सेंटर बनता है वहां पे बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। यदि वहां स्ट्रक्चर है तो रेसिस्टेंट वो तभी हो सकती है, अंटिल अनलेस इट इज ए रॉक, ठीक है, पहाड़ है वहां पे, तो शायद वो ले लेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। बेसिकली उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करना है, कोई बिल्डिंग नहीं एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाएगी। तो अर्थक्वेक रेसिस्टेंट तो कोई भी स्ट्रक्चर बनाई जा सकती है, और कितने एनर्जी के लिए उसको रेसिस्टेंट बनाना ये भी किया जा सकता है, लेकिन ये जज नहीं कर सकते कि उतनी ही एनर्जी का अर्थक्वेक से अगला बड़ा नहीं आएगा। डे बाई डे जैसे 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 आपका ओवरबर्डन प्रेशर बढ़ेगा, नीचे प्लेट्स क्रैक कर सकती हैं, स्लाइड कर सकती हैं, टकरा सकती हैं, और उससे अर्थक्वेक आते रहेंगे। तो नेचुरल फिनोमेना है, अर्थक्वेक प्रूफ कोई चीज नहीं बनाई जा सकती, अर्थक्वेक रेसिस्टेंट बनाई जा सकती है। जब भी आप रेसिस्टेंट की बात करते हैं तो कुछ किस रेसिस्टेंस के लिए बनानी है वो एक पैरामीटर आ जाता है जो अनसर्टेन है, और उसके हिसाब से फिर स्ट्रक्चर डिजाइन की जाती है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, आई वांट टू आस्क टू क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू आस्क दैट कैन यू शेयर सम टिप्स सो दैट वी कैन इंक्रीज आवर कॉन्सेंट्रेशन लेवल, and secondly how much of self study is required to clear this IIT entrance exam? okay for this, first of all you write down the quantum of work or quantum of studies you need, theek hai? maan lijiye ki exam जो है अभी चल रहा है आपका, कब है एग्जाम आईआईटी का बताइए, कितने महीने बचे हैं? हेलो, आईआईटी जेईई के प्री के लिए कितने मंथ्स बचे हैं? नहीं सर, अभी ये जो बच्चे ने पूछा ये 9th-10th के बच्चे हैं, अभी ये 2-3 ईयर एडवांस चल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। उसके लिए ऐसा है कि पहले तो ये तय कर लो बेटा कि कौन सी आईआईटी में जाना है, कौन सी ब्रांच को लेना है, ठीक है। ये चीज जब पता चल जाए तो उसके लिए कितने नंबर लाने हैं ये पता चल जाएगा, फिर उसका कितने परसेंट, 20% ऐड कर दो, वो आपका टारगेट हो जाएगा। उस टारगेट को अचीव करने के लिए कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं 100%, कौन से चैप्टर छोड़ने, ये तय हो जाएगा। अब उन चैप्टर्स में टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने बनते हैं वो निकाल लीजिए, अपने पास अवेलेबल टाइम निकाल लीजिए, कितने डेज आपके पास बचे हैं, तो पर डे कितना पढ़ना ये पता चल जाएगा। उसमें भी 10% का क्वेश्चन लेकर के चलिए, क्योंकि आप ये जो टाइम एस्टिमेट्स होते हैं वो मोस्ट लाइकली होते हैं। पेसिमिस्टिक स्टेट आ गई है, बुखार आ गया, कोई चीज आ गई जिससे आपका टाइम निकल गया तो आप कवर नहीं कर पाएंगे। यू मस्ट हैव ऑलवेज सम क्वेश्चन इन प्लानिंग दी थिंग्स, ठीक है। तो उससे आपको पता चल जाएगा, मान लीजिए आपका पर डे 45 पेजेस आ रहे हैं तो 45 पेजेस पढ़ना है आपको, ठीक है, उसको पढ़ के, और उसके बाद उसमें देखिए कितना समय लगता है, जितना भी लगता है उतना रिक्वायर्ड है। जब आप नहीं कर पाएंगे, मान लीजिए 45 पेज पढ़ने के लिए 12 घंटे चाहिए और आप थक जाते हैं तो 9 घंटे, तो आपका डेफिनेटली टारगेट पीछे आ जाएगा। तो कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, हमें इंस्टीट्यूट से या फिर ब्रांच से, ब्रांच से नहीं करेंगे तो इंस्टीट्यूट से करना पड़ जाएगा।
तो ऐसे करके आप प्लान करोगे। वैसे मुझे लगता है कि 8 घंटे पर डे यदि कोई सिंसियरली पढ़ता है तो वो कुछ भी कर सकता है। 8 घंटे पर डे पढ़ना चाहिए स्टॉप वॉच लगा करके, ठीक है। आपने पढ़ना शुरू किया सुबह, स्टॉप वॉच ऑन कर दीजिए, उठे चाय पीने के लिए, खेलने के लिए कुछ भी बंद कर दीजिए, फिर कुछ पढ़ाई करी ऑन कर दीजिए, फिर बंद कर दिए, शाम को देखिए 8 घंटे हो जाने चाहिए। 8 घंटे होने चाहिए पढ़ने के लिए, 1 घंटा कम से कम खेलना चाहिए, ठीक है। ये 2 चीज हो जाएंगे तो माइंड फ्रेश रहेगा, फिजिकली फिट रहोगे, एफिशिएंसी हाई रहेगी। उस 8 घंटे में आईआईटी की कोई भी रैंक ले लो, कोई दिक्कत नहीं। सर एक उन्होंने पूछा कि कंसंट्रेट कैसे, हम अपनी कंसंट्रेशन कैसे इंक्रीज करें स्टडी में। देखिए कंसंट्रेशन तो उससे आती है आपका कितना पैशन है सब्जेक्ट उसके टारगेट के लिए। आपका टारगेट फ्लेक्सिबल है, अरे ये नहीं तो मैं वो कर लूंगा, तो आपकी कंसंट्रेशन नहीं आएगी। आपका टारगेट फिक्स होना चाहिए, मुझे ये अचीव करना है तो अचीव करना है, तभी कंसंट्रेशन आएगी, वरना कैसे आएगी, ठीक है ना। हाँ, वो आपका आपका टारगेट यदि फ्लेक्सिबल है कि यदि चलो वहां नहीं गया तो इंजीनियरिंग नहीं तो मैं एनआईटी ले लूंगा, एनआईटी नहीं तो यार गवर्नमेंट वाले में चला जाऊं, कोई दिक्कत नहीं, वहां के बच्चे भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। यदि इस तरीके के आपके वो बना रखे हैं आपने अपना कि सबसे सेटिस्फाइड है, तो कंसंट्रेशन का कोई मतलब नहीं है। कंसंट्रेशन होता है टारगेट सामने होना चाहिए, लिख दीजिए सामने मुझे ये लेना है और ये पाना है, और उसके लिए फिर तैयारी करिए, तो उसमें आप डेफिनेटली बहुत सारी खराब आदतें वैसे ही छोड़ देंगे उसको देख देख करके, क्योंकि वो लिखा नहीं होता। अब ये ना हो कि वो लिखा आपको प्रेशर देने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। रियलिस्टिक बनाओ उसको, रियलिस्टिक गोल तय करो, तभी जाके बात बनती है, अनरियलिस्टिक में नहीं बात बनती। मतलब जब आपको बड़ा गोल है तो बड़े सेक्रीफाइसेस देने होंगे, तभी इनपुट आएगा तो आउटपुट भी आएगा। ये मत सोचिए कि ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे कुछ नहीं होगा, हर चीज डिमांड करेगी कुछ ना कुछ, पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, ठीक है। एक सर जो अभी अभी जो कैंडिडेट पूछ रहे हैं मेरे से, एक कैंडिडेट का क्वेश्चन आया है कि जो टेक्नोलॉजी का फील्ड है इंडिया में, इसका फ्यूचर क्या है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी मुझे लगता है कि आईटी सेक्टर तो अभी बूम करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में सिविल इंजीनियरिंग भी आगे आएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर्स तो बननी है। मान लीजिए कि अभी चाइना से सारी फैक्ट्रीज इंडिया में आएंगी तो बिल्डिंग्स बनेंगी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो सिविल इंजीनियरिंग का रहेगा, आईटी का रहेगा और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी रहेगा, है नहीं, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का। अभी तो मतलब मुझे लगता है कि सभी फील्ड्स का है, लेकिन जो एवर लास्टिंग फील्ड है वो कंप्यूटर साइंस और हार्डवेयर रहेगा, क्योंकि ये तब तक खत्म नहीं होना जब तक सारी चीज रोबोट ना करने लगे। रोबोटिक वर्ल्ड बनेगा, हर चीज रोबोट करेगा, तो रोबोट के जब तक रोबोट एज ए सर्वेंट घर में एंटर नहीं कर जाएगा तब तक दुनिया इस फील्ड ये फील्ड ब्लूम करेगी। ओके सरंग अस्थाना जी, यस सरंग, गुड इवनिंग सर। फोटो नहीं आ रही है सामने किसी की सर, ये वीडियो ऑन नहीं कर रहे बच्चे। अच्छा अच्छा, होगा नहीं, हो सकता है कैमरा ना हो। हाँ कैमरा, सरंग कैरी ऑन बच्चे। सर इफ वी वांट टू गेम क्रिकेटर देन इट वुड राइट टू टेक व्हिच सब्जेक्ट इन 9th क्लास। हाँ सर, स्पोर्ट्स में वो परस्यू करना चाहते हैं बट साथ की साथ इंजीनियरिंग में भी इंटरेस्ट है, तो आई थिंक वो पूछना चाहते थे कि क्या इंजीनियरिंग करके भी हम स्पोर्ट्स में जा सकते हैं। हाँ हाँ जा सकते हैं बिल्कुल, लेकिन मुझे ये लगता है कि जैसे स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है तो स्पोर्ट्स के भी कॉलेजेस हैं इंडिया में, उसमें रैंकिंग देख लीजिए और जो टॉप के हैं उसमें जाइए आप, आपको आप एंजॉय करेंगे। आप 4 साल वहां खोना क्यों चाहते हैं, 4 साल में तो आप कैप्टन बन जाएंगे कहीं के। अक्षत, 4 साल बहुत वैल्यूएबल है बेटा लाइफ के लिए बहुत, तो वहां इंजीनियरिंग को पढ़ करके और उसको फिर वहां छोड़ देना और फिर बाद में क्रिकेट खेलना या वॉलीबॉल खेलना जो भी आपका पैशन है उसमें, 4 साल में तो आप बहुत ऊपर निकल जाएंगे ना, तो वो करिए सीधे। और वो कॉलेज उसके
डेजिग्नेटेड कॉलेज है इंडिया में, नंबर 1, 2, 3, 4 वो देखिए, टॉप में घुसिए और वहां जाने के बाद उसको परस्यू करिए, सीखिए, और सीखने के बाद कुछ नहीं हुआ तो कोच तो बनेंगे ही आप, सिखाएंगे, उसमें भी पैसे बहुत दे रहे हैं, अच्छे खासी कमाई हो जाती है, लेकिन आप उसे एंजॉय करोगे। इंजीनियरिंग जस्ट एज ए डिग्री कोई फायदा नहीं है जब तक उसको यूज नहीं किया। अक्षत, अक्षत कैरी ऑन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। I want to pursue my career in as a software developer in Google, and I want to study in IIT Bombay or IIT Kharagpur. So how should I prepare? And I am a bit lacking in concentration also. So how should I prepare for that? Concentration के लिए तो मैंने अभी बताया था कि आप अपना goal लिख दीजिए सामने और एक paper लगा रहना चाहिए जहाँ table study table है आपकी उसके सामने, ठीक है? और उसके सामने ये भी लिख दीजिए कि उसके लिए आपको कितने मार्क्स लाने हैं, कितने नंबर लाने हैं, जो नंबर उसके लिए रिक्वायर्ड है उसमें 20% जोड़ करके टारगेट लिख दीजिए, और उसके हिसाब से आप अपना जरा सब्जेक्ट्स को बांट लीजिए, सारे सब्जेक्ट्स को, कि कितने पेजेस आपको पढ़ने हैं पर डे। पर डे कैलकुलेशन एक बार सामने आ जाएगी तो कंसंट्रेशन क्या आपको, आप खुद ही दौड़ करके पढ़ना शुरू कर देंगे कि यार मुझे ये नहीं मिलेगा यदि मैं ये नहीं करता। लेकिन यदि वो फ्लेक्सिबल है आपका टारगेट, तब फिर कंसंट्रेशन नहीं बनेगा। टारगेट फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए, 1, 2 या 3, 3 चॉइस से ज्यादा ना जाओ, 3 के अंदर सेटिस्फाई करो अपने आप को, तो आपको रेंज मिल जाएगी कि मुझे यहाँ से यहाँ तक मार्क्स लाने हैं, ठीक है? सर एक बच्चे और पूछ रहे हैं कि हमारा जो इंडियन इंजीनियरिंग है, यानी हम यहाँ से बी या बीटेक करके जाते हैं, तो वो क्या फॉरेन में इक्वली एप्लीकेबल है? नहीं, ऐसा है कि फॉरेन में तो मास्टर ऑफ साइंस होता है या एमटेक होता है, दोनों सब्जेक्ट चलते हैं। मेरी बाय द वे मेरी दोनों बेटियां मास्टर्स कर चुकी, एक पीएचडी कर रही है, यूएसए कर रहे हैं दोनों बच्चे, दोनों बेटियां हैं मेरे पास। तो उन्होंने, एक बेटी को मुझे यूएस में कुछ करना है तो जीआरई वगैरह वो करती रहती थी, जीआरई के पेपर्स देती रहती थी, खैर उसका जो मार्क्स आए कुल मिलाकर के उसने यूनिवर्सिटी ऑफ नेवाडा में एमएस के लिए ज्वाइन कर लिया। अब यहाँ सब भी बहुत थोड़ा सा बच्चों को एफर्ट करना पड़ता है कि भाई पैसे इतने नहीं होते हैं तो कैसे करें, तो उसके लिए उसने जहां पर फेलोशिप मिलेगी, जहां पे ज्यादातर स्टूडेंट को फेलोशिप मिल जाती है, तो उसने जो कॉलेज उसको मिला उसकी रैंकिंग से लोअर कॉलेज को चूज किया जहां पे उसको फेलोशिप मिल जाए, और वहां पे उसने ज्वाइन किया, फिर उसने वहां पढ़ाई कर ली। उसके बाद 3.5 साल के बाद उसको पीएचडी का ऑफर मिल गया, तो अब पीएचडी कर रही है, सिविल इंजीनियर जो है। दूसरी ने कंप्यूटर साइंस से, खास चीज एमएस के लिए आपको जाना है, तो एमएस क्या है, रिसर्च की तरह आप बढ़ रहे हैं, तो जो जो फॉरेन कंट्रीज हैं वो ये चाहते हैं कि बच्चे को रिसर्च में इंटरेस्ट होना चाहिए, तो उसके लिए एक एसओपी लिखवाते हैं, वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम लिखवाते हैं, तो उसमें ये झलकना चाहिए कि आप शुरू से रिसर्च ओरिएंटेड है, बचपन में क्या सोचते थे, वो पूरी कहानी सी लिखते हैं बच्चे, जिससे कि जो पढ़ने वाला एकदम से उसको छोड़ ना पाए, देखता चला जाए लास्ट तक एसओपी पढ़ ले, तो नॉर्मली वो सिलेक्ट हो जाता है। तो उसमें जब रिसर्च है इंटरेस्ट दिखाने के लिए आपके कुछ पब्लिकेशन होने चाहिए, तो बीटेक आप कहीं से भी करो इसका कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने यदि साथ साथ किसी आईआईटी के प्रोफेसर के साथ या किसी वहीं के अपने प्रोफेसर के साथ किसी अच्छे जनरल में या वर्ल्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में कहीं पर पब्लिकेशन कर रखा है, तो उससे जो इवेल्युएशन करने वाला बंदा है वहां का, उसको ये लग जाता है कि इसका इंटरेस्ट रिसर्च में है, और फॉरेन में रिसर्च को वैल्यू दी जाती है क्योंकि वहां पे लोग खाओ पियो और मस्त रहो वाला कल्चर है, वहां ज्यादा पढ़ाई नहीं करते हैं वो लोग, तो इंडियंस पसंद करते हैं वो कि ये सब जुटे रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, रिसर्च करेंगे, तो उनको पसंद करते हैं, तो आपका ये वहां काम आ जाता है इस तरीके का एफर्ट। तो एक पब्लिकेशन होना चाहिए, मुझे लगता है पब्लिकेशन हो जाएगा तो एमएस में एडमिशन हो जाता है। फिर देख लीजिए आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, यदि आप सेल्फ सफिशिएंट हैं अच्छे कॉलेज से कर लीजिए, यदि आपको फेलोशिप चाहिए थोड़ा सा डाउन कॉलेज से हम लोग ले लेते हैं, है ना? सर कहने का मतलब ये है कि अगर आप में पैशन है तो कॉलेज मैटर नहीं करता। नहीं, कॉलेज बिल्कुल मैटर नहीं करता, स्पेशली कंप्यूटर साइंस के लिए तो आप कहीं से कर लीजिए। ओके, प्रियांशी, बाकी जैसे
सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए मैं जरूर कहूंगा कि डू इट फ्रॉम आईआईटी और एनआईटी, उसके बाद बेकार हो जाता है, उतना अच्छा नहीं रहता रेस्पॉन्स. क्योंकि पढ़ाने वाले भी बहुत लो पेड होते हैं, उनको उनको खुद ही नॉलेज नहीं होती, पढ़ाने वाले गलत भी पढ़ा देते हैं. तो इसलिए अच्छा है कि आईआईटी और एनआईटी को मत छोड़िए उस कोर ब्रांच में. और कंप्यूटर साइंस आप किसी भी जगह से कर लीजिए, आपकी जो काबिलियत है, आपके इन बिटवीन जो आप मेहनत करते हो, गूगल में कुछ एप्लीकेशन बना के डाल दी है, माइक्रोसॉफ्ट में कुछ डाल दिया, कुछ एग्जाम पास कर लिया, उसमें अच्छा रैंक लिया, वो सब मैटर करने लगता है. तो आप एट द एंड ऑफ द डे जब आप बीटेक पास करते हो तो आपके वो क्रेडेंशियल्स क्या हैं अदर देन योर रूटीन कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट्स, वो आपको आगे लेके जाते हैं. सर एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है कि आई वॉन्ट टू विन अ नोबल प्राइज इन रिसर्च. हाँ बिल्कुल ठीक है. तो Nothing is impossible in this world. हाँ तो student Harkirat said kindly guide me. हाँ इसमें देखिए ऐसा है कि अब जैसे इंडिया से भी नोबेल प्राइज तो है ही दो, एक तो रविन्द्रनाथ टैगोर को था, बाकी एक किसी बोस को था या ऐसी कुछ है, मतलब कुछ लोग हैं जिन्होंने साइंस में भी लिया है. तो नोबेल प्राइज कौन सी फील्ड में लोगे पहले ये तय करो बेटा, ठीक है. नोबेल प्राइज नोबेल प्राइज की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ जानो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिसमें नोबेल प्राइज मिलता है, उसमें देखो कि कौन सा सब्जेक्ट पसंद आ रहा है ना, वो देखो, फिर उस सब्जेक्ट से आगे बढ़ो कि इस सब्जेक्ट में नोबेल प्राइज किस किस ने जीता, किस किस ने विन किया, और वो लोग कहाँ कहाँ क्या क्या पढ़ के आए थे, उनका बायोडाटा निकालो, एक उनकी कंपेरेटिव स्टेटमेंट बना लो, यहाँ से उन्होंने मास्टर्स किया, ये किया, किस फील्ड में किया है, नहीं वो सब तुम्हें मिल जाएगा. तो तुम्हें ये पता चल जाएगा कि तुम्हें कहां से क्या करना है इस फील्ड में नोबेल प्राइज लेने के लिए, ठीक है. बेसिक वर्क तो करना पड़ेगा, जब एक बार ये तय हो गया उसके बाद नोबेल प्राइज तो फिर प्लानिंग हो गई, वेल बिगन इज हाफ डन, आधा तो आ चुका, आधा लाना है मेहनत करके. ओके सर. प्रियांशी. यस प्रियांशी. सर जैसे कि मुझे तो उसके लिए क्या बच्चों को, जो बच्चा आईआईटी क्रैक करते हैं, जो इंजीनियरिंग फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो क्या उनको बचपन से ही पता चल जाता है कि इंजीनियरिंग फील्ड में बहुत अच्छा कर सकता है, या फिर बाद बाद में दिखता है पैशन इंजीनियरिंग के, इंजीनियरिंग फील्ड में उनका पैशन बाद में दिखता है, फिर बचपन से उनको पता चल जाता है कि वो कुछ बाद बहुत ज्यादा अच्छा कर सकते हैं. बाद में क्या क्या ऐसी हैबिट्स होती है जिससे फील्ड में. देखिए मैं जो क्वेश्चन आपका समझा वो ये है कि मतलब इंजीनियरिंग में जाएगा कि नहीं जाएगा, ये कैसे पता चलता है, किस भी क्या बिहेवियरल एस्पेक्ट से पता चलता है, ऐसा कुछ पूछ रहे हैं ना. यस 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 ऐसा ही पूछ रहे हैं सर. तो इसके लिए देखिए एक चीज तो क्लियर है कि मुझे लगता है कि जो इंजीनियरिंग के लिए सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट, अब तो गवर्नमेंट थोड़ा सा शायद नई एजुकेशन पॉलिसी में कुछ चेंज भी कर रही है, तो इंजीनियरिंग के लिए रिक्वायरमेंट आज की डेट में तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है ही. तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के एक बच्चे के अंदर क्या फीचर्स होने चाहिए या क्या उसकी लड़कपन में क्या दिखना चाहिए, ये जानना जरा मुश्किल है कि आप. लेकिन हाँ थोड़ा सा बच्चा सोवर सा होगा, चीज को डीपली देखता होगा, कोई भी बात करेगा सोच समझ के बोलेगा, तो जो सोच समझ के बोलेगा तो लॉजिकली बोलेगा, इसका मतलब मैथमेटिक्स की उसकी अंदर है कुछ, है ना, लॉजिकल लॉजिक्स आ गए, है ना, कोई एक्सप्लोरेटिव उसकी टेंडेंसी होगी तो फिजिक्स आ जाती है ना. तो इस तरीके से थोड़ा आइडिया मिल सकता है, लेकिन अल्टीमेटली तो ये तीन सब्जेक्ट्स ही बताएंगे कि उसका इंटरेस्ट इन तीनों में है तो वो एक इंजीनियरिंग के लिए अच्छा कैंडिडेट है, और यदि नहीं है तो कोई फायदा नहीं है, जिसमें उसका मन हो वो करवाओ और उसके ब्रांच के टॉप पर रहो. टॉप 10 मैं प्रेफर करता हूँ, टॉप 10 में रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं आती, अपना सब सारा करियर अच्छा रहता, लेकिन बाकी सबका भी कहीं खराब कुछ नहीं रहता, क्योंकि एक बार आप फील्ड में चले जाते हो, एक बार आप जॉब पे चले जाते हो, फिर जॉब में आप क्या करते हो उससे आपकी ग्रोथ होती है, ये तो एक एंट्री पॉइंट है, एंटर कर गए आप कहीं भी,
लेकिन आज की डेट में जो कंपनियां हैं वो सबको वॉच करती रहती हैं, ये बिल्कुल उनके दिमाग में नहीं रहता कि ये आईआईटीएन है कि एनआईटीएन है कि ये प्राइवेट से है, वो कर क्या रहा है और दे क्या रहा है सोसाइटी को, इसको देख करके वो पिकअप कर लेती हैं। जैसे मेरे मेरे नेबरहुड में ही एक मेरे साथी हैं, उनके बेटे ने ग्राफिक एरर से बीटेक किया, बीटेक करने के बाद उसे कंप्यूटर साइंस से किया था, करते ही उसको कोई हेलो हाँ जी हाँ सर कैरी ऑन अच्छा कुछ चेंज हुआ ओके तो उसको वहां से पास करते ही मतलब किसी कंपनी ने पिक कर लिया 14 लाख के पैकेज में, जबकि ग्राफिक एरर का इतना कोई रिकॉर्ड नहीं था। वहां पे उसने एक साल काम किया, सवा साल काम किया, जो काम किया वो लोग वॉच करते हैं, जो अच्छे कंपनी वाले होते वो हमेशा अच्छे, वही वाली बात है अच्छी कंपनी अच्छे स्टफ से बनती है ना कि वो अच्छे होते हैं, कौन काम कर रहा है। तो उन्होंने देखा ये बच्चा काम का अच्छा काम कर रहा है, तो अमेजन ने 25 लाख का पैकेज दे दिया एक साल के अंदर। तो अब दो साल में एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज का एस्टेब्लिश होता हुआ कॉलेज बच्चा 25 लाख में पहुंच जाता है, तो ये मीनिंगफुल है, ठीक है ना। तो इसलिए मतलब ऐसा नहीं है कि कहां से करना है, और आप पैशन पहले देखो उसका। अनिशा यस सर हाँ, जो आपने क्वेश्चन लिखा है वो पूछिए सर से। सर मैंने तीन क्वेश्चन पूछे और उसमें से कौन सा जो आपने लास्ट पूछा पहले आप पहला पूछो पहला पूछो फिर दूसरा फिर तीसरा। हाँ हाँ सर, मैंने पहला था जैसे सर अभी नीति आयोग ने सर स्कूल में एटीएल लैब्स लगाने को मतलब लगाया है, तो सर वो हमारे कैरियर के लिए कितना अच्छा है? मजबूरी है, उसमें कुछ कर नहीं सकते, वी हैव टू लिव विद द सिचुएशन। यदि बाहर जाने, यदि बाहर जाने से लाइफ का रिस्क है तो रिस्क लेना तो कोई अच्छी बात नहीं है, जिंदा रहेंगे तभी कुछ करेंगे। सर निशा पूछना चाहती थी कि इनके स्कूल में ना अटल टिंकरिंग लैब लगी है, छोटी सी एक्सपेरिमेंटल, तो उसमें हमें छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट करने से क्या बेनिफिट होता है स्टडी में? बिल्कुल होता है, जितना जितनी चीजों को आप 3D में समझेंगे आपकी नॉलेज अच्छी हो जाएगी। हाँ सर, हमारे स्कूल में एक बच्चा है वो सर मतलब इन एक्सपेरिमेंट्स में बहुत ही अच्छा है, मतलब वो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन पढ़ाई में एवरेज है, तो वो मतलब उसका मतलब आईआईटी वगैरह में उसका क्या लेवल रहेगा? हाँ देखो, फिर वही बात चीज हो जाती है कि अब इलेक्ट्रॉनिक्स केवल इलेक्ट्रॉनिक्स से एंट्री नहीं मिलेगी, लेकिन यदि इलेक्ट्रॉनिक्स में वो बहुत कुछ कर ले, यदि इलेक्ट्रॉनिक्स के बैकग्राउंड को लेकर के आज की डेट में वो कोई एक रोबोट बना देता है या कुछ बना देता है, तो कोई बड़ी कंपनी उसको देख लेगी, वो वही कह देगी कि मेरा स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट एमआईटी से, मैं इसको बीटेक कराना चाहता हूँ, तो बीटेक हो जाएगा उसका एमआईटी से फ्री ऑफ कॉस्ट, वो कह देगा बाद में मेरे साथ 5 साल सर्विस कर लेना। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वही वाली बात है कि यदि पैशन क्या है, पैशन यदि इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन प्लेटफॉर्म पकड़ने के लिए फिर ये देखना पड़ेगा कि बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट या बहुत सारी कंपनियां जो है। अब जैसे वो बुलंदशहर की लड़की थी जिसका जिसका वो जो पढ़ रही थी उसको HCL ने भेजा था, HCL ने भेजा था ना, अपने अपना स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट था, उससे उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भाई आप जो है हमारे साथ 4 साल काम करेंगे, 3 साल जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया, और आपको हम बीटेक इस जगह से कराएंगे, तो उसका खर्चा सारा उसने ले लिया, लेकिन उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि आप मुझे पढ़ाएंगे वरना इतना पैसा लौटा देना, ठीक है। ऐसे ही यदि मतलब उसके मन में होगा कि मुझे केवल इलेक्ट्रॉनिक्स से ही करियर बनाना है, तो वो देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स केवल उसी को जानने से, उसमें देखो इंटर करना ही पड़ेगा, बीटेक कहीं ना कहीं करना ही पड़ेगा, वो वहां से दिखेगा उसको, कहीं से भी करे वो इतना मैटर नहीं करेगा कि आईटी से करे, लेकिन वो क्या प्रोडक्ट बनाता चलता है अपने 4 साल की जर्नी में वो मैटर करेगा ना। अब वो देख ले कि आईटी वाले क्या बना रहे हैं, नेट पे सब मिलता है कि वो ये बना रहे हैं, उससे बेटर वो अपने प्राइवेट इंस्टीट्यूट में बना दे तो इंस्टीट्यूट का भी नाम हो जाएगा और उसका भी नाम हो जाएगा। सर कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे में पैशन है तो कोई कंपनी हमें स्पॉन्सर भी कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है, हमारे सामने अभी एग्जाम्पल है और उसमें सोशल मीडिया में चला भी वो। ओके एक सर और बच्चों ने पूछा कि क्या साइंटिस्ट बनने के लिए कोई स्पेसिफिक लाइन है या इन्हीं लाइन में से हम आगे चलकर साइंटिस्ट बनते हैं, इंजीनियरिंग वगैरह में से ही निकल गए? नहीं, साइंस के सारे सब्जेक्ट्स में साइंटिस्ट बन सकते हैं, साइंस के सारे सब्जेक्ट्स,
जो भी है, केमिस्ट्री है या इलेक्ट्रॉनिक्स है या और इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट जितने हैं, उसमें सब में बन सकते हैं। हमारी CSIR की लैब हर इंजीनियरिंग एस्पेक्ट के लिए हर एक लैब बनी हुई है हमारे पास। 38 लैब्स हैं, 38 लैब्स में 38 ब्रांचेस कवर होती हैं, मतलब सारी ब्रांचेस के थोड़े 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 सब। तो कोई इंजीनियरिंग ऐसी नहीं है जिसकी लैब हमारे पास नहीं है। और लेकिन क्या है कि यदि करियर उसमें साइंटिस्ट का चलाना है तो जल्दी से जल्दी अपनी PhD करके तब एंट्री लो, अच्छा रहेगा। ओके, मतलब आपका कहने का मतलब है कि PhD पहले आपकी उस फील्ड में होनी चाहिए। हो जाएगी तो देखिए आप सीधे सीधे बहुत हायर रैंक पर लगेंगे, आपका लॉन्चिंग पैड ही बहुत हाई होगा, तो आपका आगे का जीवन भी बढ़िया अच्छा चलेगा। फिर PhD जो है यंग एज में हो जाती है, जैसे जैसे ओल्ड होके आप करते हो तो टाइम भी ज्यादा लगता है, रिजल्ट भी जल्दी नहीं आता और बच्चे भी बड़े हो जाते हैं। ओके, एंड सर एक बच्चा और पूछना चाहता है कि मैं यहाँ रोबोटिक्स में कुछ करना चाहता हूँ, हाँ, तो इंडिया में क्या इसकी पॉसिबिलिटी है, कितने के चांसेस हैं? नहीं, इंडिया में आप इंजीनियरिंग कॉलेजेस को देखिए, सब में जहाँ पे रोबोटिक्स ब्रांच होगी वहां पे वहां कीजिए, बिल्कुल। ओके ओके सर, अभी हम अपने टाइम से थोड़ा सा चल रहे हैं, बच्चों के क्वेश्चन मेरे पास बहुत आ रहे हैं, बट मैं अब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लास्ट में मेरे बच्चों को, क्योंकि ये सारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, डिफरेंट लोकेशन से हैं, तो इनके लिए कोई मोटिवेटिंग वर्ड की जो आप इनको कोई सजेशन या कोई आशीर्वाद देना चाहें। हाँ बिल्कुल सही है। देखिए मैंने 2-3 चीजें शुरू में बताई थी, उसको रिपीट कर देता हूँ मैं एक बारी। एक तो ध्यान रखिए कि पहले तो ये देखिए कि आपको अच्छा क्या लगता है, और उस जो जो चीज जो भी काम करना अच्छा लगता है उसका प्रोफेशनल करियर क्या है, ठीक है। यदि ये चीज तय हो जाती है और इसमें आप काम करते हैं तो आप अच्छा प्रोफेशनल बनेंगे और आप अपने काम को एंजॉय करेंगे और उसका बर्डन नहीं रहेगा और यू विल परफॉर्म इन ए आउटस्टैंडिंग मैनर। जो भी करना है, जो आपने इससे आपने एक ये तय कर लिया मुझे क्या करना है, उसको क्या करना है, जब एक बार ये तय हो जाता है तो उसकी रिक्वायरमेंट्स पढ़िए, ठीक है। क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या इसके लिए प्री रिक्विजिट्स हैं, इसकी क्या कॉम्पिटेंस लेवल है, किस तरीके से, तो वो जब एक बार पता चल जाएगा तो आप टारगेट सेट कर देंगे कि इसके लिए मुझे ये लेवल अचीव करना है, तब मैं यहाँ जाऊंगा, ठीक है। उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका डेली का वर्कलोड कितना है, रोज कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है। पढ़ने का असेसमेंट सारे दिन पढ़ रहे हैं वो मत करिए, स्टॉप वॉच से पढ़ना शुरू कीजिए, घड़ी दबा दीजिए, पढ़ना शुरू कर दिया घड़ी दबा दीजिए, स्टॉप वॉच ऑफ कर दीजिए जब आप उठ जाएं, फिर करिए 1 घंटा जरूर खेलिए, जरूर आउटडोर कुछ करिए, चाहे इनडोर करिए, बट यू शुड स्वेट। हमें मुझे मोदी जी का अच्छा लगता है कि उन्होंने कहा था बच्चों को दिन भर में 6 बार पसीना निकालना चाहिए, तो यू शुड फील स्वेटिंग बाय वे ऑफ एक्सरसाइजिंग। ये नहीं है किचन में खड़े हैं या कमरे में बैठे थे उससे पसीना आ गया, वो पसीना नहीं कहलाता। आपने कुछ किया उससे आपके शरीर का पसीना निकला तो आपके टॉक्सिन्स निकलते हैं उससे, तो 6 बार पसीना निकालिए दिन भर में, चाहे 15 मिनट की एक्सरसाइज करके जाए तो क्या फ्रेश होते चले जाएंगे, आपका माइंड जो है ना फ्रेश होता जाएगा, हर 6 बार फ्रेश हो जाएगा 6 बार पसीना निकलने पे। जैसी फ्रेश होगा तो आपकी एफिशिएंसी बेटर होगी, तो थोड़े समय में अच्छा पढ़ेंगे और प्रोडक्टिव पढ़ेंगे। तो इन चीजों को थोड़ा महत्व दीजिए और फिर देखिए कि आपका यही समय, अभी तक जो 1 महीने में आपका रिजल्ट था, अगले 1 महीने में रिजल्ट चेंज हो जाएगा। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, जो भी करो, हाँ जो भी करो बर्डन लेकर मत करो, एंजॉय करो, कीप स्माइलिंग, मस्त रहो, खुश रहो, कोई भी टेंशन है कोई वरी है शेयर विद योर क्लोज फ्रेंड्स एज अर्ली एज पॉसिबल। आज की परेशानी आज निपटाने का सिद्धांत बनाओ और हेजिटेट मत करो, हेजिटेशन से बात बिगड़ जाती है, जैसे बीमारी बढ़ जाती है फिर उसका इलाज भी महंगा हो जाता है और हो सकता है कभी इलाज भी नहीं हो पाता, उसी तरीके से परेशानी जिस दिन आए उस दिन सॉल्व होनी चाहिए। आपके पेरेंट्स के साथ जरूर शेयर करिए जो भी परेशानी है, एनीथिंग व्हिच इज बॉदरिंग यू। थैंक यू सर, एंड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स
आई थैंक यू कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला और हमारे बच्चे इससे काफी मोटिवेट होंगे और आगे जो आपने बातें बताई हैं उन पे जरूर जरूर गौर करेंगे। और हो सकता है सर कुछ बच्चे आपके पास भी पहुंच जाएं पढ़ने के लिए। नहीं आया दे आर मोस्ट वेलकम, कोई दिक्कत नहीं है, बात करते रहेंगे। कोई आई डोंट माइंड कि मुझे बताने में कोई अच्छी खुशी होगी, क्योंकि ये बच्चे हमारे ही देश को आगे बढ़ाएंगे और आगे हम इन्हीं के देश में रह रहे होंगे, देश तो हमारा भी रहेगा लेकिन दे विल बी प्रोडक्टिव एंड वी विल बी एंजॉयिंग देयर फ्रूट्स। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। ओके ओके, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।